भाई वो कहते हैं ना, सीने में दिल नहीं हो तो चलता है, लेकिन जेब में पैसा नहीं हो तो कुछ भी नहीं चलता है। पल्लवी, मैं प्रकाश को हरगिज माफ नहीं करूंगा। देखो, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिन्हें माफ नहीं किए जा सकते। जब भी तुम्हारा फोन आता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन्हें भी अच्छा लगता है जब मैं किसी को फोन करती हूँ, वरना ये कहते हैं कि ना तो तुम्हारा कोई फोन आता है ना ही तुम्हारा कोई दोस्त है। कल को सपोज आप लोग मुझे डबल क्रॉस करें, तो मैं आप लोगों की जो हालत करूंगा। फौजिया को मुझे साहिल की अम्मी कहलवाना है, वो भी साहिल की आवाज और उसके अल्फाज में, ये मैं अहद करके लौटा। या सर, मिस्टर संजय नंदा आपसे मिलने आए। हाँ, सेडमेंट की आपकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग गया था कि यह रिपोर्ट तैयार करने वाला कोई यंग होटेलियर हो सकता है। कहीं आपको मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैच्योर तो नहीं लगी मिस्टर कोहली? संजय साहब, मैं अपने आप को यंग लेकिन बहुत ही मैच्योर समझता हूं। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ी। रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल चीज लगी, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर मेरा गेस सही है मिस्टर कोहली, तो शायद आपको मेरे अगले 5 साल के टारगेट प्रॉफिट अनरियल लगे। लेकिन मुझे आपका ये अग्रेसिव एटीट्यूड भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब तक आप कुछ करने की ठान नहीं लेते, वो चीज आप हासिल भी नहीं कर सकते। यू आर राइट मिस्टर कोहली, आपने मेरा एटीट्यूड बिल्कुल सही। अगर आपने मेरी कंपनी का बैकग्राउंड स्टडी किया हो, तो उसमें आपने एक बात जरूर नोट की होगी कि मैंने आज तक जो जो ठाना वो हासिल किया। संजय साहब, आप होटेलियर बेशक बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आदमी बहुत खतरनाक है। एक बात बताइए कि न्यूयॉर्क में इतने सारे होटल्स की एम्पायर खोलने के बाद इन्हें वाइंड अप करके आपने इंडिया आने की कैसे ठान लिया? वैसी कोई वजह रही हो जैसे कि आपकी। आपने कई सालों तक अपने होटल को बेलगाम छोड़ दिया, लेकिन अचानक आपने सारी लगामें अपने हाथों में ली। देखिए मिस्टर, आप और हम मिलाए, उम्र की खामी या खूबी होती है, जैसे कि रिस्क उठाना, लाइफ को डिफिकल्ट करके जीना। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यू राइट मिस्टर नंदा, एब्सोल्युटली राइट। मेरे पार्टनर मिस्टर प्रेम वर्मा, उनकी फितरत भी कुछ ऐसी है। मैं उनके साथ ये रिपोर्ट डिस्कस करूंगा एंड देन मेबी वी कैन हैव अ मीटिंग। श्योर। एक और बात बताइए, इस देश में ऐसे बहुत से होटेलियर्स हैं जिनके साथ आप बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है। आपने हमारे साथ बिजनेस करने का डिसीजन क्यों लिया? इसके दो रीजन है मिस्टर कोहली। पहला रीजन ये कि जिस तरह से आप लोगों ने अपने होटल की इमेज चेंज की है, उससे साफ जाहिर होता है कि आपका भी एटीट्यूड मेरे जैसे ही है। दूसरा रीजन थोड़ा पर्सनल है। यू नो मिस्टर कोहली, मुझे आपके होटल का नाम बहुत पसंद है। राधना। इंटरेस्टिंग दम है ना भाई। कागजों पर तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंप्रेसिव लग रहा है। क्या नाम बताया था? संजय नंदा। संजय नंदा, क्या उम्र होगी? बस अपनी उम्र का है। तभी थोड़ा पागल भी लगता है, जुनूनी आदमी। तभी तो प्रेम। अरे न्यूयॉर्क जैसे शहर में एक होटल की चेन खोल लेना खाने का काम नहीं। ये बड़ी बात नहीं है जय, कि उसने इतने सारे मोटेल की चेन्स खरीदे।
बड़ी बात यह है कि ये जो मोटेल के चेन्स थे जो सक्सेसफुली चल रहे उन्हें बेचकर वो हिंदुस्तान आए। पता है प्रिंस, मैंने ये सवाल उससे पूछा था लेकिन उसका जवाब मेरी समझ में नहीं आया। एक बात का ध्यान रखना, जब भी तुम इस आदमी के साथ डील करते हो इसकी हर बात का ही नहीं बल्कि हर लफ्ज को समझने की कोशिश करो। जो कुछ ये तुमसे कहता है तुम्हें बताता है वो किसी तीसरे आदमी से जरूर कंफर्म करो। तुम उससे मिलना चाहते हो तो मैं मीटिंग कंफर्म कर लूंगा। हाँ मैं इससे मिलना तो जरूर चाहूंगा। तुम ऐसे करो कि एक मीटिंग इसके साथ रखवा दो, शायद इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती। प्रेम, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे साथ बिजनेस डील करने के लिए जो जो दो अहम वजह हैं, तो सबसे अहम वजह यह है कि उसे हमारे होटल का नाम बहुत पसंद है, होटल आराधना। काफी देर से इंतजार कर रहे थे। नहीं यार, यही कोई 20-25 मिनट में हेल्थ क्लब से लौट रहा था, सोचा तुझे मिलता था। वैसे तो बात तो फोन पर भी हो सकती थी। बात अच्छा, क्या हो रहा है? तू अपनी उंगलियों को ऐसी क्यों सुन रहा है? कुछ नहीं यार, बड़ी अजीब सी बात है, सुबह से हाथ तो मैंने काफी बार धो लिए लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे हाथों पर साबुन लगा हुआ है। कोई नया साबुन इस्तेमाल कर रहे थे? अरे नहीं यार, और ये मेरी साबुन की स्मेल भी नहीं है। रोहित, जैसे जरूर भाभी के साबुन की स्मेल है, क्योंकि जहां तक मैं आपको जानता हूँ आप जिंदगी भर अपने ही बाथरूम में नाए हैं मिस्टर रोहित राजपूत। अरे यार ये बता, तेरी मीटिंग तय हो गई? अरे हाँ यार, जो बात करने में आया था वो तो भूल गए। कल हम लोग मिल रहे हैं 7:30 बजे, वो भी होटल एम्पायर। वाह भाई वाह, मीटिंग तय की वो भी होटल एम्पायर में। यार वहां तक पहुंचने के लिए कम से कम 1.5 घंटा लग जा रहा ट्रैफिक में, और कल सैटरडे यार, सुबह से लेकर रात तक मैं बिजी हूँ, पूरा दिन भागम दौड़ चल रही है। आखिर मीटिंग तय करनी थी तो यार होटल एम्पायर में क्यों थी, यहाँ दफ्तर में कर लेता। रोहित, मैं ऐसी मुलाकात होटल के रूम में ही करता हूँ, ना उनका ऑफिस ना मेरा न्यूट्रल टेरिटरी। यू नो बिजनेस डिस्कशन के बाद वहां ड्रिंक्स कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, यू नो हाउ इट इज, ओनली इफ द डिस्कशन इज सक्सेसफुल एंड इट विल बी, यू सी। ठीक है, पर यार पहुंचते पहुंचते मैं थोड़ा सा लेट हो सकता हूँ। 7:30 बजे की मीटिंग में अगर 8 बजे पहुंचा तो कोई एतराज नहीं है ना? कल तो हाफ डे है ब्रदर। मैं जानता हूँ कल सैटरडे यार, लेकिन फिर भी पहुंचते पहुंचते उतना वक्त लग जाएगा। अरे यार बस एक मीटिंग है, मीटिंग 6:30 बजे की है, यानी कि खत्म होते होते 7:30 बजे पहले मैं एम्पायर नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन यार कल 5 बजे तो पैसे तो भिजवा देगा ना, याद है ना भाई फॉरेन करेंसी भेजने वाला भूला तो नहीं? डोंट वरी अबाउट, कल मैं ठीक 5 बजे पैसे लेकर आऊंगा। ओके थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। प्रकाश बाबू, आप सचमुच में जा रहे हैं? हाँ शर्मा जी, मौका मिला है तो सोचा चलूं। चलिए प्रकाश बाबू, आपकी तो सचमुच में निकल पड़ी है, आपने अपना जुगाड़ खुद ही कर लिया, कुंदन जी के भरोसे नहीं रहे। अपनी तस्वीर कुंदन जी के नाम पर गिरवी रख दी है, मैं तो कई बार भी नहीं आ जा सकता। अरे शर्मा जी, आम तौर पर मेरा दिमाग उतना नहीं चलता जितना उस वक्त चल गया था। एक कमाल का आइडिया दिमाग में आ गया और वारे न्यारे हो गए। जाते जाते अल्लाह दिन का चिराग मुझे देते जाओ और कुछ आइडिया भी बताते जाओ। अरे भाई मैं भी ट्राई करूं, हो सकता है कि मेरे हिस्से में भी कुछ आ जाए। मेरी आंख में तो आंसू, कमबख्त पेट में भूख, बस ये फिक्स डिपॉजिट होती जा रही है। शर्मा जी ये आइडिया एक तुक्का था जो लग गया। अरे प्रकाश बाबू, तो मुझे भी कुछ तो हिंट दे दो। तुम देखो भाई, जितने बुरे दिन आपके चल रहे थे उतने बुरे दिन मेरे भी हैं, मेरा भी कोई तुक्का फिट हो जाए। नहीं शर्मा जी, आपका तुक्का फिट नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह मैंने पैसे कमाए हैं
आपके बस की बात नहीं है। अरे भाई ठीक है, अब मेरी तकदीर में पैसा ना सही तो ना सही, लेकिन आपकी तकदीर को ये चार चांद कैसे लगे, ये आइडिया फिट कैसे हुआ? नहीं बताऊंगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर कभी वापस आने का मौका मिला तो बता दूंगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ एक ही चीज दिमाग में है, बैग पैक हैं, जाने की तैयारियां हो चुकी हैं, सिर्फ जाते जाते रोहित को मिलकर उसे माफी मांगकर गुड बाय टू इंडिया। ये जाते जाते रोहित सेठ से मिलकर माफी मांगने की बात मेरे कुछ गले नहीं उतरे, और फिर ये कुंदन जी की खोपड़ी में आइडिया आया कैसे? आजकल ये लोग मुझे बारी बार रखकर अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। एक बात बताऊं प्रकाश साहब, आप जरा होशियार रहना। अरे हटाइए शर्मा जी, वो लोग मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, वैसे भी मैं जा रहा हूँ। और एक बात याद रखिए, ये आइडिया कुंदन का नहीं है, मेरा है। मैंने सोचा कि मैं रोहित से मिलकर माफी मांगूंगा, और वो इसलिए क्योंकि आज तक हमेशा मैंने रोहित का बुरा किया है और रोहित ने हमेशा मेरा अच्छा ही किया है, और कितना अच्छा किया ये कोई नहीं जानता। बस मेरा उससे माफी मांगना बनता है। अरे भाई दो मिनट चैन रखो, आ रहा हूं। कौन है? मोहसिन मैं हूं, खोलो। अरे मोहसिन आ गया बेटा, तू सो रहा था क्या? ये वक्त तो सोने का ही है। और साहिल कैसे बेटा? हमें अभी नींद आ रही है, सुबह बात करते हैं, अब लौटने में खासी देर करने लगी। ठीक है, तुझे नींद आ रही है ना, जा सो जा। हाँ मैं सोने जा रहा हूँ, और फौजिया से कहता हूँ आपके लिए खाना परोस देगी। नहीं खाना नहीं खाना है मुझे। क्यों, खा के आई है? नहीं, जी भर गया है मेरा तेरी बातें सुनकर और तेरा रवैया देखकर। अरे सीधे मुंह तो बात ही नहीं कर रहा है मुझसे। क्या अम्मी आप भी आधी रात को बात करने के सलीके को मुद्दा बना रही हैं? ये कि रात रात भर तेरी बीवी मेरे खिलाफ तेरे कानों में जहर भरती रहती है, और मेरे आते ही वो जहर तूने उगलना शुरू कर दिया है। कितनी नफरत है तेरी बातों में। कौन सा जहर, कैसी नफरत अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? फौजिया ने तो मुझसे कुछ कहा भी नहीं। बिल्कुल ठीक जा रही हो बेटा, तुम दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो। अरे जाते वक्त तुमने अपनी बीवी की ड्यूटी लगाई थी ना कि मेरी अम्मी की चीखा लेकर करना, तो बेटा उसने मेरी बहुत तौहीन की है, बहुत तौहीन की है। तुम्हारे इरादे समझ में आ रहे हैं मेरे? अरे फौजिया को तुम्हें जानती हूँ, है ही ऐसी, तू तो मेरी औलाद है संभव, तू कैसे बदल गया है? अम्मी आप क्या बात है अम्मी, इतना चिल्ला क्यों रही है, क्या हुआ? क्या हुआ पूछती है? अरे तेरी साजिश कामयाब हो गई है, तूने तो मेरी औलाद का दिल ही बदल दिया, कमबख्त बदजात औरत। अम्मी आप चुप रही ना, सुनी ना इसकी आवाज, देखा मेरा मोहसिन मुझसे कैसे मुखातिब हो रहा था? क्या हो गया है अम्मी को? अरे मैंने इनसे कहा कि फौजिया को कहता हूँ खाना परोसने के लिए, न मालूम इन्हें क्या झटका लगा, बेसिर पैर की बातें कर रही है। हाँ हाँ मेरी बातें तो अब तुझे बेसिर पैर की ही लगेंगी, सारी मतलब की बातें तुझे अब अपनी बीवी की बातों में नजर आएंगी। अच्छा अम्मी आप कैसे बातें कर रही हैं? जा 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 जा, तेरी बीवी तुझे हाँक दिया है ना उसी तरफ जा। अरे तू तो जानू की कठपुतली बन गया है। हाँ माँ तो बेमतलब हो गई है ना तेरे लिए, अरे जिस घर में कठपुतली का नाच होता हो, माँ की बेकदरी हो, वो घर तो भी लोगों का मुबारक हो। जाके दरवाजा बंद करो। अच्छा नहीं लगता मुझे, तुम इन बातें करो। मैंने कहा दरवाजा बंद करो, अपना दिमाग मत लड़ाओ, जितना कह रहा हूँ उतना सुनो। हो गया अम्मी को, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप सफर के थके हुए हैं, सो जाइए, सुबह देखते हैं। हाँ मुझे नींद आ जाएगी इतने बड़े ड्रामे के बाद, लेटते ही।
या अल्लाह, तू तो ही मालिक है इस घर का। इस घर में सुकून की उम्मीद करना बेवकूफी है। ऐसी नाउम्मीदी से कुछ हासिल नहीं होगा मुझसे। जब आप शाम को लौटे थे तो कितनी उम्मीद लेकर आए थे। एक जरा सी बहस को उन उम्मीदों पर पानी मत फेरने दीजिए। अम्मी को काटा किसी और बात का चुभा हुआ, आपको बता कुछ और नहीं। कौन सा काटा? पता नहीं, लेकिन जब आप गए हुए थे तो मुझसे भी गर्मा गर्मी हो गई थी। और आपने मुझे बताया तक नहीं। इसमें बताने वाली कौन सी बात थी मुझसे? मेरे पीठ पीछे इस घर में क्या चलता रहता है आप मुझे बताने की जरूरत भी नहीं महसूस करते। लेकिन मुझे, मुझे... आप दोनों औरतों के झगड़े के बीच में इस कदर पिस के रह गया हूं मैं। यहां तक कि आपके कई बरस पुराने झगड़े में मैं अपने बेटे तक को हार गया हूं। थोड़ा तो तरस खाइए आप दोनों मुझ पर। हेलो, मैं कोहिनूर बिल्डिंग से बोल रही हूँ। ये टैक्सी स्टैंड का ही नंबर है ना? मुझे स्टेशन जाना है, अभी टैक्सी चाहिए। मिसेस खान बोल रही हूँ मैं, ठीक है? मैं बिल्डिंग के बाहर नीचे ही मिलती हूँ। शुक्रिया। सुबह सुबह किस कंबख्त का फोन आ गया। हेलो शिरीन। अरे खाला, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? हाँ बेटा, मैं स्टेशन के लिए निकल रही थी गांव जाने के लिए। सोचा कुछ से भी बात कर लो। अचानक गांव जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया? बेटा कल रात तो हालात कुछ ऐसे बने कि बस मुझे जाना पड़ रहा है, इसलिए सोचा तुझसे भी बात कर लो। अपना ख्याल रखना शिरीन। पहले बता दी तो स्टेशन आ जाती मैं। सर ठीक से जाइए खाला, आप लौट कब रही हैं? पता नहीं बेटा, आना कब होगा। खाला जल्दी आइएगा, ऐसा ना हो कि। बेटा शिरीन जाते जाते तो उससे झूठ नहीं बोलूंगी, अब शायद आना नहीं होगा बेटा, बस मेरा यहाँ इतना ही बना था। ठीक है? नहीं खाला, आप इस तरीके से हमें छोड़कर अकेला नहीं जा सकती। खाला आप नहीं जा सकती हैं। नहीं शीरीना, मुझे जाना ही पड़ेगा। अरे इन दोनों ने तो मेरे साथ जुबान दराजी शुरू कर दी है। नहीं, हम एक पल भी इस घर में नहीं रह सकते। तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे घर चले आइए, फौरन मेरे यहाँ चले आइए, मैं आपका इंतजार करती हूँ। बेटा मैंने टैक्सी मंगवा ली है नीचे। तो क्या हुआ, टैक्सी पर अपना सामान रखिए और यहाँ आ जाइए, ये भी तो आप ही का घर है ना। आप आइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। ठीक है बेटा, मैं अभी आती हूँ। बाय।